जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसे करें, अपने लल्ला लड्डू गोपाल का अभिषेक, सदा बनी रहेंगी खुशियाँ। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो अगर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन है, जान ले सही तारीख और सही समय, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का अभिषेक कैसे करना है और कैसे करनी है जन्माष्टमी के दिन पूजा। तो आइए सबसे पहले आपके मन से ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं कि जन्माष्टमी कब है, 26 या 27। तो मित्रों आपको बता दें, वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त की बता रहे हैं, वहीं कुछ जानकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाने की बात कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना बेहद ही जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 03:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 02:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। जी हाँ, ये आप याद रखिए, जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही है, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने लड्डू गोपाल को सजाने की, अपने मंदिर को सजाने की, व्रत की और पूजा की। अब बात आती है व्रत और पूजा की। इस दिन तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस दिन व्रत और पूजा का, लड्डू गोपाल का अभिषेक करने का सही तरीका क्या है। तो आइए जानते हैं, किसी अन्य पर्व की ही तरह हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस पर्व को भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसका उल्लास पूरे देश में रहता है। कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी का पर्व हिंदू परंपरा में बहुत महत्व रखता है। जी हाँ मित्रों, इस दिन भक्तजन भगवान कृष्ण का पूजन करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और घर की शांति, खुशी और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन अनुष्ठानों में भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का अभिषेक करना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह अनुष्ठान आपके जीवन में न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि लाता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि यह घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। इस साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। आइए ज्योतिर्विद पंडित से जानें कि इस दिन लड्डू गोपाल का अभिषेक किस तरह करने से खुशहाली बनी रहती है। अब मित्रों सबसे पहले बात कर लें, इस दिन आपको दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। तो आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगाजल, पंचामृत समेत आदि चीजों से अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं, कान्हा का श्रृंगार करें और फूलमाला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जप करें। प्रभु को माखन मिश्री और फल आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब बात आती है लड्डू गोपाल के अभिषेक की। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है कि लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए आपको या क्या सामग्री चाहिए। तो आइए जानते हैं मित्रों, इस दिन सभी हिंदू अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूरा दिन मंदिर को सजाने में निकाल देते हैं, जिससे उनको पूरे दिन व्रत रखने के बाद भी दिन का पता नहीं लगता। कमेंट में ये जरूर बताएं कि कौन कौन अपने घर के मंदिर की साफ सफाई और भगवान को सजाने में अपना पूरा दिन लगता है, जरूर बताएं। तो मित्रों पूजन सामग्री,
जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का अभिषेक आरंभ करने से पहले आपको कुछ सामग्रियों को इकट्ठा करने की जरूरत है। आइए जानें इसमें इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्रियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए लड्डू गोपाल की मूर्ति। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है तो जन्माष्टमी का दिन लड्डू गोपाल को घर लाने का सबसे शुभ दिन होता है। आप इस दिन लड्डू गोपाल की एक स्वच्छ और पवित्र मूर्ति घर लाएं। यदि पहले से मूर्ति है तो उसे साफ करें। साथ ही गाय का दूध, कृष्ण जी को गाय से अत्यंत लगाव है, इसलिए उनके अभिषेक के लिए ताजा और शुद्ध गाय का दूध रखना बहुत जरूरी है। घी, जन्माष्टमी पूजा के लिए घी और मक्खन का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। आमतौर पर इस दिन गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल किया जाता है। शहद, प्राकृतिक और शुद्ध शहद का इस्तेमाल लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए किया जाता है। दही, गाय के दूध का ताजा दही जीवन के लिए समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल भी लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए किया जाता है। गंगाजल, गंगा नदी का पवित्र जल, जिसका उपयोग किसी भी वस्तु के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। फूल, लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए और आसपास की सजावट और प्रसाद के लिए ताजे फूल जैसे गुलाब, बेला, चमेली आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के पत्ते, पवित्र तुलसी के पत्ते, जिन्हें कृष्ण पूजा में पवित्र और आवश्यक माना जाता है। यही नहीं, इन पत्तों के बिना लड्डू गोपाल का पूजन अधूरा होता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण, जिसका उपयोग स्नान अनुष्ठान में किया जाता है। नए वस्त्र और आभूषण, अभिषेक के बाद लड्डू गोपाल को सजाने के लिए नए वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गई सामग्री की बात, अब बात करते हैं कि इस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराया जाए। तो मित्रों, सबसे पहले आप उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करें जहां लड्डू गोपाल का पूजन करना है। स्थान को शुद्ध करने के लिए चारों ओर गंगाजल छिड़के, शांत मन से बैठें और भगवान कृष्ण का ध्यान करें। उनके दिव्य रूप की कल्पना करें और उन्हें अपने घर में उपस्थिति के लिए आमंत्रित करें। इसके पश्चात लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराना आवश्यक होता है। इसके लिए आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका जल से अभिषेक करें। अधिक शुद्ध करने के लिए शुद्ध गंगा जल से धोएं। अब बात कर लें कि जन्माष्टमी के दिन कैसे करें लड्डू गोपाल का अभिषेक। सबसे पहले गाय के दूध से अभिषेक शुरू करें। इसके लिए भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हुए लड्डू गोपाल की मूर्ति पर धीरे से दूध डालें। इसके बाद मूर्ति को दही से स्नान कराएं। दही जीवन में समृद्धि और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है और इससे स्नान कराने से घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक शहद से करें। शहद जीवन में मधुरता और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। शहद के बाद लड्डू गोपाल का घी से अभिषेक करें। घी को पवित्रता, धन और दिव्य शक्तियों से जोड़ा जाता है। सभी पदार्थों से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराकर अभिषेक का समापन करें। इससे किसी भी प्रकार की अशुद्धि को दूर करने में मदद मिलती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के बाद क्या करें। तो आपको बता दें, लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के तुरंत बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना एक परंपरा है। अभिषेक के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को मुलायम और साफ कपड़े से धीरे धीरे सुखाएं। मूर्ति को नए साफ कपड़े पहनाएं। मुख्य रूप से यदि आप पीले या लाल जैसे चमकीले रंगों के वस्त्र जन्माष्टमी के दिन पहनाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को गहनों से सजाएं, जिसमें मुकुट, चूड़ियां और ताजे फूलों की माला को शामिल करें। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं। जी हाँ, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद उनके लिए एक विशेष प्रसाद या भोग तैयार करें। मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा आप भोग में ताजे फल और मिठाइयाँ भी रखें। किसी भी भोग में तुलसी दल रखना जरूरी माना जाता है, अन्यथा लड्डू गोपाल को भोग स्वीकार नहीं होता है। तो मित्रों,
यदि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का इन तरीकों से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमसे। और कौन कौन कैसे पूजा सेवा करना वाला है, कैसे अपने ठाकुर जी को सजाने वाला है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही फोटो भेजें। जय श्री कृष्णा।